मामला सामने आया जहां पर सरकारी अस्पताल जा रहे बाइक सवार लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा जो है डीसी दफ्तर के बाहर हुआ। मौके पर वहां पर विधायक भी पहुंचे। दरअसल मामला जो है फाजिल्का से सामने, जहां पर सरकारी अस्पताल जा रहे दो बाइक सवार लोगों में डीसी दफ्तर के नजदीक एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस वजह से दोनों बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे विधायक ने दोनों को एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है। जानकारी देते हुए जख्मी व्यक्ति ने बताया कि वह गांव चक भंबा बट्टू का रहने वाला है, जो अपने साथी दीप सिंह सहित बाइक पर सवार होकर फाजिल्का के सरकारी अस्पताल आ रहे थे। उन्होंने बताया कि आगे कार पर उनके पारिवारिक सदस्य मरीज को लेकर अस्पताल आ रहे थे और वो बाइक पर पीछे थे कि फाजिल्का के डीसी दफ्तर के नजदीक एक ट्रक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके से गुजर रहे फाजिल्का से हल्का विधायक नरेंद्र पाल सवना ने हादसा हुआ देखा और हादसा देखते ही जख्मियों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया, फाजिल्का के सरकारी अस्पताल जो है पहुंचाया गया। और भी बयान सामने है, क्या कुछ कहना, आइए उनके जुबानी सुनते। थोड़ी देर बाद अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हो पाया, काफी सीरियस था। और तीन और पैरेलल ट्रॉमा के केस आए हैं, एक्सीडेंट केस आए हैं, जिसमें से दो गंभीर लग रहे हैं, जिनके वारिस अभी कोई साथ नहीं है। एक बार उनको सारा प्राथमिक उपचार दे दिया है और बाकी अब उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है जी। सर ये तो हमें डिटेल नहीं पता, सडन चार एक्सीडेंट केस सीरियस आ गए थे, तो हमने तो प्राथमिकता एक बार उपचार किया है। अब हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सारी उनकी फाइल वर्क कंप्लीट करके तो फैमिली डिटेल सारी वो करेंगे। तो पता लगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ये? सर ये तो एमएलए साहब को जानकारी, सर ही उठा के लाए उनको जी। एक गल्लू के पास हुआ है और एक साबुआना का कोई है, वो अननोन है, उसका आधार कार्ड एमएलए साहब को दिया है, इन्होंने अपने टीम की ड्यूटी लगाई है, उसके फैमिली मेंबर आ रहे हैं। मैं जा रहा सीगा और मैंने एक लड़का सीगा उन्हें रोक के दसिया एक एक्सीडेंट होया है और नाल कुदरती साढ़े पिछे एक एम्बूलेंस सी, असी एम्बूलेंस नूं भेजा, मैं आप पहुंचा उत्थे एसडीएम दफ्तर के सामने एक्सीडेंट होया सी और दो मोटरसाइकिल ते दो जने सीगे, उन्हां दोनों नूं असी हस्पताल पहुंचाया और एक दी तां जिहड़े डेथ हो गई है और एक दा जिहड़ा इलाज चल रहा है वो बच गया है, परमात्मा का शुक्र है उन्हां दी जान बच गई। और उस तो बाद हुण असीं होस्पिटल आए हाँ और उन्हां दे घर दे जिहड़े पहलां ही इत्थे इक दवाई लैण आए हुए सीगे तां इह थोड़ा पिछे आ रहे सीगे, जिवें दस रहे ने उन्हां दा इक चाचा हैगा जिहड़ा लड़का डेथ होई है। एक बाय दे नाल पिंड चक मोचन वाला पिंड है कोई, एक उत्थों दा ते इक नाल कोई होर पिंड उत्थों दा रहण वाला है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ? ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਦੀ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੇਫਲੀ ਜਾਣ।